हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपकमिंग स्मार्टफोन के वीडियो में बताया था कि जनवरी में रियलमी की कंपनी जल्दी अपने नए बजट सेंट्रिक फ़ोन को लॉन्च करेगी, अब जो है ये कंफर्म हो चुका है कि रियलमी की कंपनी अपना पहला फ़ोन 2020 का जो कि रियलमी 5 सीरीज़ का होने वाला है, जिसका नाम होगा रियलमी 5i, इस फ़ोन को लॉन्च करेगी, जिसका ऑफिशियली टीज़र इन्होंने रियलमी और फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर शो किया है, जिसमें आप देख सकते हैं Realme 5i स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में बताया, जिसका इवेंट जो है 9 जनवरी को होगा, 12:30 बजे ये फ़ोन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इस फ़ोन के कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स भी इन्होंने शो किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फ़ोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाएगी, उसके नीचे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे AI क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप बताया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ दिखाया गया, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस, पोर्ट्रेट और मैक्रो लेंस भी बताया गया है। उसके नीचे स्लाइड करता हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बताया गया है। फिलहाल कौन सा प्रोसेसर होगा इसके बारे में कोई भी जानकारी इन्होंने नहीं दी है। उसके नीचे स्लाइड करता हो तो आप देख सकते हैं 6.5 इंच का मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले इन्होंने दिखाया गया है। उसके नीचे इस फ़ोन के बारे में कुछ भी स्पेसिफिकेशन इन्होंने नहीं रिवील किए हैं। तो दोस्तों, अब बात करूँ Realme 5i स्मार्टफोन में आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, डिज़ाइन कैसा होगा इस फ़ोन का, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या हो सकता है इंडिया में। तो सबसे पहले बात करूँ डिज़ाइन की, तो Realme 5i स्मार्टफोन का डिज़ाइन सेम आपको Realme 5 की तरह ही मिलेगा। सिर्फ आपको फ़ोन में डायमंड का डिज़ाइन नहीं दिया जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी स्लिक बॉडी के साथ आएगा, और पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपको फ़ोन के कॉर्नर्स राउंडेड एंड कर्व मिलेंगे। तो रेयर पैनल पर आपको वर्टिकली क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो फोन में आपको 6.5 इंच का HD+ मिनी ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसमें आपको बेजल बहुत ही कम देखने मिलेंगे। दोस्तों, बात करूं प्रोसेसर की, तो इस फोन में आपको ये कंफर्म है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन जितने भी रूमर्स एंड लीक स्पेसिफिकेशन आए उसके हिसाब से पता चला है कि इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 1.8 GHz पे होगा। इसके बदले जो है Realme 5 में आपको सेम प्रोसेसर 2 GHz पे देखने मिलता है। Realme 5i स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, जिसमें आपको 3 GB और 4 GB रैम वेरिएंट होंगे। दोस्तों, फोन में आपको क्वाड रेयर कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें आपको 12 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा, तो 8 MP का सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाएगा, वही 2 MP का डेप्थ और 2 MP का मैक्रो सेंसर मिलेगा। कैमरे में आपको AI बेस्ड कई सारे फीचर भी देखने मिलेंगे। तो फोन में आपको 8 MP का AI फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ 10W का चार्जर, फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करूँ Realme 5i स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। तो Realme 5 और Realme 5i स्मार्टफोन अभी के हिसाब से फिलहाल 9,000 से लेकर 12,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल रहे हैं। तो Realme 5i स्मार्टफोन जो है 7,000 से लेकर 9,000 रुपये के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है Realme 5i स्मार्टफोन के बारे में, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये फ़ोन किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ADTech को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स। We'll be right back.